नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जम्मू परिवर्तन के साथ और मैं हूँ रूपाली शर्मा। बात की जाए जम्मू कश्मीर की तो लगातार जो है जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो आतंकी गतिविधियां हैं जो है लगातार चलती हुई नज़र आती हैं। लेकिन वहीं अगर आज बड़ी खबर की बात की जाए तो जम्मू में जो कोट भलवाल जेल है जहाँ पर लगातार जो है पुलिस कर्मी जो है तैनात रहते हैं और जो सिक्योरिटी है वो जो है हमेशा लगी रहती है, वहाँ पर जो है सुबह आज जो है चेकिंग के दौरान ये पाया गया कि वहाँ पर जो बंकर्स थे कैदी के, उनके बंकर्स के अंदर जो है 10 मोबाइल फ़ोन और सिम कार्ड जो है वो पाए गए हैं। जी आपको बता दें, सीआईडी ने जो है वहाँ पर जांच की और सुबह 5 बजे जो है ये जांच जारी की गई थी और वहाँ पर जो पाया गया कि बंकर्स के अंदर जो है 10 मोबाइल फ़ोन जो है आतंकी, जो पाकिस्तानी आतंकी पकड़े गए हैं उनके पास जो है वो पाए गए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है प्रशासन का कि अगर कोट भलवाल जेल की बात की जाए तो वहाँ लगातार इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी वहाँ पर 10 मोबाइल फ़ोन पकड़े जाने और सिम कार्ड्स की बात जब सामने आती है तो कहीं ना कहीं जेल वालों पर अगर बात करें, जहाँ पर जो सुरक्षा बल है या कर्मचारी जो होते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि आखिरकार वहाँ पर ये जो फ़ोन है और सिम कार्ड्स आए कहाँ से। आपको बता दें कि चेकिंग के दौरान ये कहा जा रहा है कि कई सारे ऐसे कैदी हैं जिन्होंने सिम कार्ड जो है वो तोड़ भी दिए हैं, लेकिन जो सिम कार्ड बरामद किए गए हैं वो फिलहाल जो है जाँच के लिए दिए गए हैं और जो डीकोडिंग है उनकी की जा रही है ताकि पता चले कि कौन सी गतिविधियाँ हैं जिन पर ध्यान दिया जा रहा था। और कोट भलवाल जेल, जहाँ इतनी बड़ी जेल की बात करते हैं जम्मू की, तो वहाँ पर ऐसी जो हरकत है वो देखी जानी सबसे बड़ा सवाल उठाती है। कहीं ना कहीं 5 बजे आज सुबह जो है ये सर्च ऑपरेशन जो है पुलिस ने लगाया और वहाँ पर जो चेकिंग है वो की गई और पाया ये गया कि बंकर्स के अंदर जो है, जहाँ कैदी कैद होते हैं बंकर्स के अंदर पुलिस तैनात होने के बावजूद, सिक्योरिटी होने के बावजूद जो वहाँ पर जो है 10 मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स पकड़े गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट जो है सामने आया था सुबह, किस तरीके से लगातार जो है डीकोडिंग के लिए अब ये सिम कार्ड्स भेजी गई हैं, वहाँ देखा जाएगा कि क्या कुछ डाटा जो है निकल कर सामने आता है और लगातार जो है किस तरीके से क्या कुछ अंजाम जो है किस वारदात को जो है अंजाम दिया जा रहा था। तो फिलहाल यही अपडेट है कोट भलवाल जेल से कि वहाँ पर जो है मोबाइल फ़ोन्स और सिम कार्ड्स पकड़े गए हैं कैदियों से और बंकर्स के अंदर जो है ये गतिविधियाँ चल रही थी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।